हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पकोड़े तो सभी के घर में बनते ही हैं। आज मैंने बनाए हैं प्याज और धनिया पत्ता के मिक्स पकोड़े। दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उतने भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है। मोटे पतले आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। हमें इनकी इस तरह से एक एक कलियाँ खोल लेनी है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 4-5 हरी मिर्ची को महीन महीन काट के रखा है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और धनिया पत्ता मैंने यहाँ पर खूब सारा काट के रखा है, वो भी मैं इसके अंदर अच्छे से डाल देती हूँ। अच्छे से भरी हुई 3 चम्मच मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ, जो कि लगभग आधा कप के करीब है। इसके बाद में हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 TSP मैं इसमें हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद में मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, जिसको हमें इस तरह से हाथों से क्रश करके डालना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सबसे पहले हमें बिना पानी के इसको मिक्स करना है, ताकि जो प्याज है उसके अंदर जो पानी है वो जितना चाहे उतना बेसन है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। प्याज और बेसन को हमें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर करीब आधा कप के करीब पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना ही पानी डालना है जिससे कि बेसन है वो प्याज पर अच्छी तरह से चिपक जाए। इस तरह से हमें प्याज और बेसन के साथ पानी डालकर सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। 1 कप तेल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए पहले से चढ़ा दिया था, जो कि अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इस तरह से हमें बेसन और प्याज को अपने हाथों में लेकर के उनको थोड़ा सा चपटा बना करके इस तरह से तेल के अंदर अच्छे से डाल देना है। प्याज के पेस्ट को इस तरह से अपने उंगलियों पर फैलाइए और गर्मा गर्म तेल के अंदर धीरे धीरे करके एक एक डाल दीजिए। गैस की फ्लेम हमें मीडियम हाई रखनी है। एक तरफ से जब पकौड़े सिक जाए तो उन्हें इस तरह से दूसरी तरफ पलट दीजिए। इन्हें सिकते हुए लगभग 3-4 मिनट लगेंगे। बीच बीच में 1-2 बार इन्हें वापस हिला दीजिए, ताकि ये जले नहीं और पूरी तरह से अंदर तक पक जाए। पकौड़ों को हमें अच्छे से करारे करारे सेकने हैं, तभी इनके खाने का मज़ा आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं और इनको मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने दूसरी बार भी पकोड़े डाल दिए हैं और ये भी अच्छे से पकने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको अच्छे से पकाना है। पकोड़ों को निकालते हुए पूरी सावधानी बरते, नहीं तो ये आपके हाथों पर उछल सकता है। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड राउंड के पकोड़े भी टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है और साथ में मैं इन्हें धनिया की चटनी और सॉस के साथ में सर्व कर रही हूँ। तो पकोड़े बनकर तैयार है। बारिश के मौसम में या फिर जब भी आप कभी आपका मन करे उस वक्त आप इन्हें ज़रूर बनाइए। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक सी रेसिपी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।